कैंसर का इलाज हुआ अब पेनलेस और ऐसा संभव हुआ साइबर नाइफ S7 से। देश की पहली साइबर नाइफ S7 मेरठ के मवाना रोड स्थित वैलेंटाइन कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए स्थापित की गई है। मेरठ में हथियारों के बल पर लूटी गई सेंट्रो कार का पीछा कर रही पुलिस की गाड़ी पर बदमाशों ने धावा बोल दिया। टक्कर मारने के साथ ही बदमाशों ने नीचे उतरकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इससे कंकड़खेड़ा चौकी प्रभारी मुनेश सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके सीने में लगी गोली आर पार हो गई है। ब्लड अधिक बहने के कारण उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। मेरठ के कैलाशी हॉस्पिटल के बाद उन्हें कौशाम्बी के मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। घटना के वक्त उनके साथ सिपाही सुशील, रविंद्र और सचिन भी थे। बदमाशों ने कंकड़खेड़ा SR मंडप के बाहर खुर्जा निवासी सोनू सैनी से उसकी कार लूट ली थी। सोनू उस वक्त कार में ही सोया हुआ था। पुलिस को तत्काल दी गई सूचना पर GPS की मदद से चौकी प्रभारी मुनेश सिंह ने बदमाशों का पीछा शुरू कर दिया था। करीब 10 किलोमीटर पीछा करने के बाद पुलिस और बदमाशों का आमने सामना हो गया। बदमाशों ने पुलिस वाहन में टक्कर मारकर भागने का प्रयास किया था। देखिए, इस बारे में मेरठ के SSP रोहित सजवाण ने यह जानकारी दी है। थाना कंकड़खेड़ा के अंतर्गत एक गाड़ी जो है यहाँ से मंडप के बाहर से कुछ लोगों के द्वारा ले जाई गई थी। इसके बाद पुलिस को GPS के आधार पर इसकी लोकेशन मिली, तो पुलिस की टीम के द्वारा उसका पीछा किया गया और ये लिसाड़ी गेट में पुलिस की टीम वहाँ पहुँची, तो वहाँ भी बदमाशों के द्वारा अपनी जो गाड़ी थी चोरी की उसको वहाँ से भगा लिया गया। पुलिस जब उस गाड़ी का पीछा करते हुए GPS के आधार पर वापस थाना कंकड़खेड़ा में आई, तो यहाँ पर पुलिस के द्वारा उसको ओवरटेक करने का प्रयास किया गया, जिसमें कि पुलिस की गाड़ी और उसमें आपस में टक्कर भी हुई है। जब पुलिस के द्वारा बदमाशों को पकड़ने का प्रयास किया गया, तो बदमाशों के द्वारा पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई। जो हमारे जो चौकी इंचार्ज हैं उनके एक गोली लगी है और इसमें जो सब उपनिरीक्षक है वो इसमें घायल भी हो गए हैं। उनको अस्पताल ले जाया गया, जहाँ से उनको हायर सेंटर रेफर किया गया है और इसमें इस घटना में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। और प्रथम दृष्टया इसमें तीन लोगों के नाम आ रहे हैं, तीनों ही के ऊपर कठोर कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए गए हैं और इसमें पुलिस की चार टीमें लगाई गई हैं, जिससे कि उनको जल्दी गिरफ्तार किया जा सके। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए firstbite.tv। नमस्कार। वर्तमान अकेडमी एंड इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लासेस फ्रॉम नर्सरी टू 12th। स्मार्ट क्लासरूम्स, वाईफाई कंप्यूटर लैब, एडवांस्ड मैथ्स एंड साइंस लैब्स, वेल स्टॉक्ड लाइब्रेरी, बेस्ट एनवायरनमेंट फॉर गेम्स, योगा एंड म्यूजिक। वर्तमान अकेडमी, रेलवे रोड, मेरठ।